आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चंद्रयान 2 अपनी मंजिल से महज 2 कदम दूर रह गया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और कहा, देश आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इसरो चीफ के सिविन हुए भावुक। मोदी ने सिविन को गले लगाया, दी जादू की छाप। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से ज्यादातर कश्मीरी खुश। कुछ असामाजिक तत्व वही कर रहे हैं 370 हटाने का विरोध। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के झगड़े सड़कों पर। सिंधिया और दिग्विजय समर्थकों ने लगा एक दूसरे के खिलाफ होदे। और छत्तीसगढ़ में बौखलाए नक्सलवादी, अब दे रहे हैं जनप्रतिनिधियों को धमकी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज खबरें विस्तार से। 48 दिन की सफल यात्रा के बाद चंद्रयान 2 अपनी मंजिल से महज 2 कदम दूर रह गया। लैंडिंग से महज 2.1 किलोमीटर पहले विक्रम लैंडर का ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया। हालांकि उम्मीदें अब भी कायम है और देश अपने वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि विक्रम लैंडर में मौजूद प्रज्ञान रोवर अब भी सुरक्षित है। लैंडर से संपर्क टूटने के बाद अब वो ऑर्बिटर सबसे अहम हो गया है जो चांद की सतह से करीब 140 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। जब ये सब हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो सेंटर में मौजूद थे। उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और कहा, देश आपके साथ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ इसकी सही सही जानकारी ऑर्बिटर ही दे सकता है। अब इसरो को ऑर्बिटर से मिलने वाली तस्वीरों की प्रतीक्षा है। हो सकता है कि वैज्ञानिक ऑर्बिटर को जल्द से जल्द उस स्थान पर लाने की कोशिश करें जहां विक्रम लैंडर की नाकाम लैंडिंग हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक बार मान लिया जाए कि विक्रम लैंडर पूरी तरह से क्रैश हो गया है तो भी यह चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। लैंडर के गिरने से चंद्रमा की सतह पर हलचल हुई होगी, मिट्टी बाहर निकली होगी। यह सब ऑर्बिटर के लिए अध्ययन का विषय होगा। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। बीती 2 सितंबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे के बीच लैंडर और रोवर के ऑर्बिटर से अलग किया गया था। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का चांद से महज 2.1 किलोमीटर पहले इसरो से संपर्क टूट गया। हालांकि उम्मीदें अब भी कायम हैं, लेकिन मनचाही लैंडिंग ना होने के बाद वैज्ञानिकों के चेहरे पर नजर आई मायूसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया। हर प्रयोग हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से इसरो के उन वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे और अपने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के साथ करते हुए कहा कि आप वो लोग हैं जो भारत माता की जय के लिए जीते हैं। आज हमारे रास्ते में भले ही आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं हैं। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना के अनुसार नहीं जा पाए, अगर कोई कवि या साहित्यकार को इस घटना पर लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद के प्रेम पर इतना लिखा है कि चंद्रयान भी चांद को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप रुकावटों से हौसला और भी मजबूत होगा, बेहतरीन आना अभी तो बाकी है, हम फिर उठ खड़े होंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अपने वैज्ञानिकों को मैं कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है। आप असाधारण लोग हो जिन्होंने इस देश के विकास में योगदान दिया है। आप मक्खन पर लकीर खींचने वाले नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर बनाने वाले हो। भारत माता की उसकी जय के लिए जीते हैं आप वो लोग हैं
जो मां भारती की जय के लिए जूझते हैं, आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे गौरवशाली इतिहास में कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने हमारी रफ्तार कम की, लेकिन हमारे जज्बे को नहीं तोड़ सके। हम हर बार लौट कर आए और ज्यादा ऊंचाई तक गए। यही कारण है कि हमारी सभ्यता सबके बीच ऊंची है। आज मैं कह सकता हूं कि आपकी कोशिश दमदार थी और इतनी ही दमदार यह यात्रा थी। हमारी टीम ने काफी मेहनत की, लंबी यात्रा की है। यह शिक्षा हमारे साथ हमेशा रहेगी। आज की सीख हमें और मजबूत बनाएगी। चांद से महज 2 कदम दूर रह गए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन के विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बावजूद देश भर में जहां इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ हो रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी सुबह फिर से इसरो वैज्ञानिकों से मिलने और उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे। जहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर इसरो चीफ के सिवन भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। सभी वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे थे, तब एक ऐसा भावुक पल भी आया जब इसरो चीफ के सिवान प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। जब मोदी वैज्ञानिकों से मिलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी इसरो चीफ प्रधानमंत्री से मिलते ही भावुक हो गए और उन्हें इस तरह भावुक देख प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगा लिया और उन्हें जादू की झप्पी दी। पीएम मोदी ने के सिवान को काफी देर तक गले लगाए रखा और ढांढस बंधाते रहे। आखिरकार इसरो चीफ ने खुद को संभाला और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से उनका हौसला बढ़ाते हुए वहां से रवाना हुए। यह एक ऐसा पल था जब यूं लग रहा था मानो प्रधानमंत्री एक बड़े भाई की तरह के सिवान को गले लगाकर यह कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अब भी जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कड़ी पाबंदियां हैं। इसे लेकर विपक्ष कड़ी आपत्तियां जताता रहा है। इसे कश्मीरी लोगों की परेशानी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हालिया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से ज्यादातर कश्मीरी खुश हैं। उन्हें पता है कि इससे उनका भविष्य सुधरेगा, आर्थिक तरक्की होगी और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व ही इसका विरोध कर रहे हैं। कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा अत्याचार करने को लेकर डोभाल ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा अत्याचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस और कुछ सेंट्रल फोर्सेस ही पब्लिक ऑर्डर को हैंडल कर रही हैं। भारतीय सेना वहां आतंकवादियों से लड़ने के लिए है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के 199 पुलिस थाना क्षेत्रों में से सिर्फ 10 में ही प्रतिबंध आदेश जारी है, बाकी सभी जगह से प्रतिबंध हटा लिया गया है। प्रदेश में 100% लैंडलाइन फोन चालू हो चुके हैं। डोभाल ने कहा कि पाकिस्तान परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। 230 पाकिस्तानी आतंकियों को स्पॉट किया गया है। इनमें से कुछ ने घुसपैठ की है और कुछ गिरफ्तार हो गए हैं। बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कम्युनिकेशन टावर हैं। वे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ सुने भी हैं जिसमें वे उनके आदमियों को कह रहे हैं कि कैसे इतने सेब से लदे ट्रक जा रहे हैं, क्या तुम उन्हें रोक नहीं सकते हो, क्या हम तुम्हें चूड़ियां भेजें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुटों में झगड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। राजा और महाराजा खुद भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इनके बीच के मतभेद और मनभेद सड़कों पर आ गए हैं। सिंधिया समर्थकों ने दिग्विजय सिंह को टारगेट का होर्डिंग लगाया है, तो दिग्विजय समर्थकों ने सिंधिया को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। कोई किसी को जुगनू कह रहा है तो कोई किसी को तालाब गंदा करने वाली मछली।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सामने भले ही कितना भी दिखावा करें, लेकिन इनके बीच की तल्खियां अब आम हो चुकी हैं। दोनों ही नेता मध्य प्रदेश में अपना दबदबा कमलनाथ सरकार पर बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ का खेमा इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में दिग्विजय सिंह के मंत्रियों को लिखी चिट्ठी ने कांग्रेस के भीतर के हालातों को सबके सामने ला दिया और उमंग सिंघार मंत्री सहित कई मंत्रियों ने भी कहा कि पर्दे के पीछे जब दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं तो उन्हें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है। इसके बाद से कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं पर घूसखोरी तक के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में भोपाल की सड़कों पर दिग्विजय समर्थकों ने होर्डिंग लगाए हैं जिसमें दिग्विजय सिंह को सूरज बताया गया है और कहा गया है कुछ जुगनू सूरज के पीछे पड़ गए हैं। इसमें दिग्विजय सिंह को उंगली और उनके विरोधियों को नाखून की संज्ञा दी गई है। निश्चित रूप से हम इस बात को सहमत हैं, कहीं से कोई बात आएगी उसका जवाब भी जाएगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों ने भी होर्डिंग लगा दिए हैं। ग्वालियर से इन होर्डिंग की शुरुआत हुई है जिसमें सोनिया गांधी से आग्रह किया गया है कि मध्य प्रदेश में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही है, मध्य प्रदेश शासन में हस्तक्षेप कर रही है। इस तरह के होर्डिंग में यह भी लिखा गया है कि वन मंत्री उमंग सिंघार के सवालों का हो समाधान। जाहिर है सिंधिया खेमे के इन होर्डिंग में सीधे सीधे दिग्विजय सिंह को टारगेट किया गया है। यहां तालाब गंदा करने वाली मछली दिग्विजय सिंह को बताया गया है। कांग्रेस के इस होर्डिंग वार की जानकारी सोनिया गांधी तक भी कुछ कांग्रेसियों ने भेज दी है। कांग्रेसी सूत्र बताते हैं दिग्विजय और सिंधिया गुटों के बीच मनमुटाव दशकों पुराना है और अब जब जिसको मौका मिलता है वह चोट करने से नहीं चूकता। बहरहाल इस झगड़े से कमलनाथ खेमा सुकून में है और वह अपने आप को मध्य प्रदेश में मजबूत करने में लगा है। बीते लोकसभा चुनाव में भी दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह चुनाव हारे हैं उससे जाहिर हुआ है कि इन दोनों नेताओं का जनाधार कम हुआ है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है अतिथि शिक्षकों को परमानेंट होने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सरकार का खजाना अभी खाली है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कांग्रेस जिंदा पार्टी है, मुर्दों की पार्टी नहीं है। सीएम की नसीहत के बाद ऐसी बयानबाजी थम गई है। गोविंद सिंह ने कहा फिलहाल अतिथि शिक्षकों को परमानेंट होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अतिथि शिक्षक सरकार की मजबूरी समझें, वो खुद देख लें खजाने की स्थिति। अतिथि शिक्षकों भी काफी करीब 1 लाख के आसपास संख्या बाजार की, सरकार का खजाना खाली है। अब इसमें हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों को भी सरकार की मजबूरी समझना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप भी देख लो, आप अगर स्थिति है आप बताओ कैसे बिजली चलाना है कि नहीं चलाना, जनता को पानी देना है, सड़क के गड्ढे भरना कि पहले उनकी पूर्ति करना है। वहीं कुछ और विधायकों के कांग्रेस में आने पर गोविंद सिंह ने बहुत ही साफ गोई से कहा मैं गप नहीं करता, जब सब सामने हो तब बात करनी चाहिए। मैं कभी गप फांगने का आदि नहीं, मैं जब तक मैं मुझे आवाज नहीं होगा उनको होगा, उनसे लोग मिले होंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तो जब सच्चाई होती तभी बात करता हूँ। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, न किसी ने हमसे प्रयास किया न हमें इस बात की भी जानकारी है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक साथ कई योजनाओं पर काम कर रहा है जिसमें नक्सलियों की कमर टूटना शुरू हो गई है। इससे बौखलाए हुए कुछ हार्डकोर नक्सलियों ने जनप्रतिनिधियों को धमकाने का काम शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नक्सलियों पर लगाम कसने और उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसके चलते जंगलों में आईटीबीपी की डीआरजी और स्थानीय पुलिस द्वारा सर्चिंग अभियान भी किया जा रहा है जिससे बौखलाए नक्सलियों द्वारा जवानों और जनप्रतिनिधियों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद संतोष पांडे को भी नक्सलियों द्वारा पत्र लिखकर जान से मारने की धमकी दी गई। सांसद की माने तो पत्र में नक्सलियों द्वारा बोडला के संघ प्रचारक की जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि नक्सली केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नक्सल विरोधी गतिविधियों से बौखलाए हुए हैं। मेरे विषय में
उन्होंने सीधा सीधा मेरा नाम उस पत्र में कि आरएसएस का कुत्ता संतोष पांडे, जिस प्रकार से तुम काम कर रहे हो तुम्हारी हत्या कर देंगे और तुमको ये कोई नहीं बचा पाएंगे, इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, असंसदीय शब्दों का उपयोग करते हुए मेरे विषय में। और मैंने तत्काल पत्र जैसे ही उनके द्वारा और मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने संबंधित अधिकारियों को, यहाँ के एसपी को और ऊपर के अधिकारियों को जो पुलिस के उच्चस्थ अधिकारी हैं उनको मैंने प्रेषित कर दिया। धमकी भरा पत्र मिलने के दूसरे ही दिन सांसद संतोष पांडे ने पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना देकर कार्यवाही करते हुए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं कवर्धा पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने सांसद की बात को खारिज करते हुए कहा कि सांसद को नक्सलियों द्वारा धमकी भरा पत्र मिलने की कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि एसपी ने आरएसएस के प्रचारक को धमकी भरा पत्र मिलने की बात को स्वीकारा है, लेकिन सांसद संतोष पांडे को नक्सलियों द्वारा सीधे तौर पर धमकी दिए जाने की बात से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सांसद संतोष पांडे और पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह के बातों से विरोधाभास की स्थिति नजर आ रही है। माननीय सांसद जी को सीधे तौर पर कोई कहीं से धमकी मिला हो इस संबंध में अभी कोई ऐसी उनके द्वारा या किसी दूसरे द्वारा हमको कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सांसद जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदत्त की गई है, उस हिसाब से हम लोग वहाँ उनकी पर्याप्त सुरक्षा लगाते हैं। साथ ही साथ जब भी उनका दौरा किसी क्षेत्र विशेष में होता है तो उसके अनुरूप हम लोग उनकी सुरक्षा आकलन करके अतिरिक्त बल की भी व्यवस्था करते हैं। एलएन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में नेशनल स्टूडेंट्स स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में बिजनेस के प्रति आइडियाज को बढ़ावा देना है, साथ ही सरकार के माध्यम से छात्रों को इनोवेटिव कार्य और बिजनेस में सहायता प्रदान करना भी था। आयोजन में आए विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने बिजनेस में संबंधित अपनी राय छात्रों से साझा की और इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में बताया। भोपाल स्थित एलन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से आए एक्सपर्ट्स ने बिजनेस के प्रति अपनी राय रखी। छात्रों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि कैसे किसी बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। छात्रों को बताया गया कि आइडियाज लाएं और उनको इम्प्लीमेंट करें। जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसकी सरकार सहायता करेगी। मुख्य अतिथि के तौर पर आए नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने आयोजन की सराहना की और कहा कि आयोजन में छात्रों को लाभ पहुंचेगा। एलएनसीटी ग्रुप के ऑनर अनुपम चौकसे ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से छात्रों में बिजनेस के प्रति रुचि को बढ़ाना है। छात्रों के आइडियाज सुने जाएंगे और अगर कोई छात्र भविष्य में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इसके लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी होगा। जी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भोपाल स्मार्ट सिटी को, एलएनसीटी ग्रुप को और साथ में डिजाइनर ग्रुप को भी, जो भी जो इसमें पूरे आज के प्रोग्राम में शामिल थे। हम सबका दायित्व बनता है कि हम हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य और उज्जवल बनाएं, तो इसीलिए आज का प्रोग्राम आयोजित किया गया था ताकि हमारे जो नवयुवक हैं उनको नए अवसर मिले। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ये इंक्यूबेशन समिट है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्टअप्स बना सकते हैं आगे। तो अभी क्या है, स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं रहता कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो हमने अच्छे एक्सपर्ट्स मार्केट से बुलाए हैं जो इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि भाई ये स्टार्टअप के लिए आपको क्या आइडिया लाना है और एक्चुअल स्टार्टअप क्या हो सकते हैं और कैसे मार्केट किया जा सकता है उनको। स्टार्टअप का सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बिना पैसे के पहले तो आप आइडिया तो पिच करो कि है क्या नया और नए से आप क्या इंडस्ट्री को नया डेवलप कर सकते हो। इस मौके पर आए जनसंपर्क कमिश्नर पी नरहरि ने बताया कि छात्रों के जो भी बिजनेस के प्रति आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार सहायता करती है। छात्र आगे आए और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। भोपाल के छात्रों के पास अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं और हो सकता है कि अगला बिजनेस प्रपोजल यहीं से निकल के सामने आए। नरहरि ने बताया कि नए समय में बिजनेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जो भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है उसकी मध्य प्रदेश सरकार सहायता करती है। मध्य प्रदेश में कई इनक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं जहां से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में सहायता दी जाती है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि शासन इनक्यूबेशन सेंटर में द्वारा 1 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। छात्रों को उनके बिजनेस शुरू करने और जानने में सहायता प्राप्त होगी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे स्टार्टअप्स, जो भी आप जैसे जो भी स्टार्टअप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके लिए ये है कि देयर इज
जो इंटरेस्ट सब्सिडी है, अगर मान लीजिए कि आपने लेट्स से 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको उसमें 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। अगर मान लीजिए 10% इंटरेस्ट है मार्केट में, 10% 12% या 15% की इंटरेस्ट है, इसमें से 8% इंटरेस्ट सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देता है। इसके अलावा अगर आप कोई रेंटल प्रीमाइसेस रेंटल पे लेते हैं एंड वहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, एंड आप टेकन लोन भी लिया है या फिर अपने खुद के पैसों से भी कर रहे हैं, तो आपको 25% जो आप वहाँ का लीज रेंट देते हैं उसका 25% स्टेट गवर्नमेंट आपको पे करेगा। ये जो प्रोग्राम हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के आइडियाज स्टूडेंट दे, वो उन आइडियों का इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके लिए हमारे मैनेजमेंट ने, LNCT ने 1 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए एक सेल बनाया हुआ है, इंटरप्रेन्योरशिप सेल, उसको दिया गया है। उसके थ्रू स्टूडेंट आइडियाज़ देंगे, उनको हम फंड भी देंगे और जितने भी स्टार्टअप हैं उनको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं LNCT ग्रुप के कैंपस में, जहाँ नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन समिट का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई हैं, जहाँ पे आइडियाज़ लिए जाते हैं, जो छात्रों को आइडियाज़ बताए जाएंगे। आइडियाज़ के दम पर छात्र अपने खुद बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। हम अब बात करते हैं स्टूडेंट से, जो बताएंगे हमें कि क्या आइडियाज़ थे। जी बताइए मैम, क्या सीखने को मिला यहाँ पे? यहाँ पे हमें ये पता चला कि हम अपनी यूथ पावर को कहाँ कैसे यूटिलाइज़ करें, कैसे उनको सही जगह में डालें, और काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जो हम अपने यानी कि आगे नहीं ला पाते ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे हम आए हैं, तो यहाँ पे जैसे बीनेस्ट में इनक्यूबेशन क्लब जो है सेटअप है, वहाँ पे जाके हम अपने आइडियाज़ देंगे, तो वो उनको एक यानी कि स्टार्टअप के लिए हमें थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे और जो भी हमारा है उसको और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग LNCT वाली नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन समिट 2019 कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये इवेंट इसलिए कर रहे हैं कि LNCT ने अपना न्यू इनक्यूबेशन सेंटर खोला है, और इसमें हम ये बताएंगे जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू जनरेशन जो भी आ रही है अभी, वो अपने न्यू आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, जो भी अपना स्टार्टअप आइडियाज़ है उसे बिज़नेस के ये में अपने आइडियाज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए। और इस जनरेशन में अभी काफ़ी स्टार्टअप इज़ लाइक बहुत ज़्यादा अभी बिग स्प्रेड हो रहा है, सो काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिशियल हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो छात्र का कहना है कि जो ये आइडियाज़ हम देंगे उनको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगी, ये जो छात्रों के लिए, वो छात्रों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आइडियाज़, इनके लिए बिज़नेस का जो स्टार्टअप होगा इसके लिए गवर्नमेंट भी सहायता करती है। पर जो ये समिट का आयोजन किया गया, इसका मेन मोटिव ये है कि जो आइडियाज़ हैं, जो छात्रों के आइडियाज़ हैं, जो निकल के छात्र जाते हैं, उनको आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, एक इनोवेशन तैयार होगा जिससे वो बिजनेस कर पाएंगे। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंचायत के सरपंच और सचिवों की मनमानी से गांव के लोग बेहद परेशान हैं। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच और सचिव हर कार्य को पूरी राशि शासन से ले लेते हैं, मगर ग्रामीणों को उनका हक नहीं देते और ना ही गांव में कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं।
सागर जिले के सुर्खी विधानसभा की गोरैया पंचायत में सरपंच और सचिवों की मनमानी से लोग परेशान हैं। गोरैया पंचायत के भिलैया गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि सचिव ने कुटी की राशि पूरी निकलवा ली, मगर अभी तक 2 साल हो गए हैं, कुटी के छाप तक नहीं किया गया है और पूरी कुटी में पानी टपक रहा है। ठेका भी सचिव ने ही लिया था। लोगों का कहना है कि सरपंच और सचिव के कहने पर शौचालय का निर्माण कर लिया गया, मगर 2 साल हो गए हैं, शौचालय की सब्सिडी का 1 भी रुपया नहीं मिला है, जबकि सचिव और सरपंच ने कहा था आप लोग शौचालय का निर्माण कर लो, सरकार पैसा देगी, लेकिन अभी तक 2 साल होने को आए 1 भी रुपया नहीं मिला। वहीं जनपद पंचायत सीईओ राहुल पांडे का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी के बाद ही 1 हफ्ते में कार्यवाही की जाएगी। हमारी जो लेटरिंग को पैसा नहीं आओ सर, हाँ हमने अपने घर से बनवा लो, सरपंच सचिव ने कही थी तुम बनवा ले, हम पैसा तुम्हारे निकलवा दें, पैसा एक नहीं आओ, 2 साल है भाई यार, हाँ घर की लग गज से मना, पैसा नहीं मिला सर, बच्चों के नाम जुड़वाने आईडी में और जुड़वा भी के लाना, हमने 2-3 बार कागज भी दे चुके हैं पुराने सचिव को, और फिर बाद में उन्होंने कही के जनपद जाओ, जनपद गए थे, जनपद में कहा के थे, उन्होंने कह दे जी कागज ले आओ, कागज सर हमारे पास अब लेके हम पहुँचे नहीं है, हाँ सचिव आए थे, उन्होंने कही थी जनपद चले जाओ। जहाँ तक ये हितग्राहियों के पैसे निकालने संबंधी बात है तो इसमें जाँच करा लेता हूँ, हितग्राहियों के खाते में पैसे जाते हैं प्रधानमंत्री आवास पर, लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर सरपंच ने निकाली सचिव की गंभीर अनियमितता होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का जुनून कुछ इस तरह छाया कि लगातार 81 घंटों तक लता टंडन के हाथ नहीं थमे, लगातार कुकिंग करती रहीं और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लता ने अमेरिका की रिकी लुम्पकिन को पछाड़ दिया है। अभी तक यह रिकॉर्ड 68 घंटे की कुकिंग का था, जिसको लता ने 81 घंटे की लगातार कुकिंग के बाद तोड़ दिया है। रीवा की रहने वाली लता टंडन ने लगातार 81 घंटों तक कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि जिससे उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मान मिला। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका की रिकी लुम्पकिन का था, जिन्होंने 68 घंटे 30 मिनट 1 सेकंड तक लगातार कुकिंग की थी। लता टंडन ने कुकिंग मैराथन का अपना टारगेट 72 घंटे का रखा था, जिसे पूरा करने के बाद भी वो नहीं रुकी, कुकिंग मैराथन जारी रखा और लगातार 81 घंटे का नया कीर्तिमान स्थापित किया। भले ही हमारा चंद्रयान 2 अपने मिशन में पूरी तरह सफल नहीं रहा हो, लेकिन इससे देश में उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। पूरा देश इस मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है, इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। इस खास लम्हे को यादगार बनाने के लिए शिवपुरी के गीता पब्लिक स्कूल की 7 छात्राओं ने 9100 स्क्वायर फीट की एक पेंटिंग बनाई है। चंद्रयान 2 की पूरी यात्रा पर बनी पेंटिंग में बच्चियों ने देश का झंडा भी बनाया है। चंद्रयान 2 चांद से भले ही कुछ कदम की दूरी पर रह गया हो, मगर भारत के महत्वाकांक्षी मिशन के विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बावजूद भी देश भर में इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ हो रही है और इस पेंटिंग को बनाकर बच्चियों ने पूरे देश की तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों को संदेश दिया है कि पूरा भारत उनके साथ है। 100 साल पुराने गणेश मंदिर परिसर में गणेश उत्सव समिति ने आरएसएस की कार्यप्रणाली से प्रेरित होकर भगवान गणेश और उनके वाहन मूषक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोशाक पहना दी। गणेश भगवान खाकी नेकर, सफेद शर्ट और काले जूते में नजर आए। राजगढ़ में गणेश उत्सव समिति का इस वर्ष एक अनोखा प्रयोग देखने को मिला है। आरएसएस की ड्रेस में भगवान गणेश और उनके वाहन मूषक को खाकी नेकर, सफेद शर्ट, काले जूते पहनाकर तैयार किया गया है। श्री गणेश के हाथ में भगवा झंडा भी है। बताया गया है कि राजगढ़ जिले के खलचीपुर में सोमवारिया के 100 वर्ष पुराने बड़े गणेश मंदिर परिसर में गणेश उत्सव समिति द्वारा आरएसएस की कार्यप्रणाली से प्रेरित होकर आरएसएस के स्वयंसेवक गणवेशधारी मूर्ति के रूप में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कारण तो ये है कि सर्वप्रथम तो पूरा जो खिलचीपुर नगर के पास में बस्ती है सोमवारिया, वहाँ पर पूरे मोहल्ले ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस प्रकार से एकजुट होकर संगठित होकर और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम करता है और उनके जो कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल नियम से क्रमबद्ध होते हैं, उसको ध्यान में रखकर अब की बार भगवान श्री गणेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस पहनाई गई, उनके विचारों को लोगों के पास घर घर में पहुँचे
इस उद्देश्य से स्थापना की गई। घनी बस्ती के बीचों बीच बसे गोल बाजार के एक फटाका गोदाम में भयानक आग लग गई, जिसमें करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। साथ ही जिस बिल्डिंग में यह गोदाम था उसके सहित दो अन्य और बिल्डिंग भी आग के चपेटे में आकर बर्बाद हो गई। जगदलपुर के घनी बस्ती में बाजार है और उसमें फटाकों का गोदाम बना रखा था, जिसमें भीषण आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया और घनी बस्ती होने के कारण लोगों की जान पर बनाई। इस आग को काबू करने में अग्निशमक वाहन को पानी खत्म होने पर कई चक्कर लगाने पड़े। भारी मशक्कत से 90 से ज्यादा बार पानी भरकर लाने के बाद आग बुझा पाए। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक रही होगी। मगर इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि घनी बस्ती के बीचों बीच स्थित बाजार में फटाका गोदाम बनाने की इजाजत किस विभाग और अधिकारी ने दी। अगर फटाका गोदाम रखने की विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी तो जिम्मेदार विभाग और अफसर मानव जीवन से खिलवाड़ करने वाले इस अवैधानिक कृत्य को संरक्षण क्यों दे रहे थे। देखना यह है कि इस घटना और अवैधानिक कृत्य के लिए जिम्मेदार अफसर और फटाका व्यापारी पर क्या कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। ग्वालियर के ठाटीपुर इलाके में साइकिल से गिरने पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। इस घटना के बाद किशोर के परिजनों ने इस मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ठाटीपुर बजरिया में संतोषी माता माँ के मंदिर के पास रहने वाले 13 वर्षीय जगदीश उचारिया अपने साथी शुभम के साथ घर से घूमने जाने के लिए साइकिल पर सवार होकर निकला था। लाइन नंबर 7 के करीब साइकिल से गिरने के कारण जगदीश बेहोश हो गया। शिवम ने जगदीश की तबीयत खराब होने की सूचना उसके परिजनों को दी। परिजन बेहोशी की अवस्था में जगदीश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जगदीश के परिजनों ने इस मामले को संदिग्ध मानते हुए इसकी जांच की मांग की है। घटना से हुई, साइकिल से गिरा और मतलब माता लेगा तो एक्सपायर होगा। घर से बोल यार मैं घूमने जा रहा हूँ लौट के, एक और इसका ग्रैंड है शुभम, तो दोनों बराबर की है, तो वो तो बेचारा साइकिल लेके आ गया और इसका एक्सीडेंट बता रहे हैं कि साइकिल से गिर गया। जगदीश के पिता का पूर्व में निधन हो चुका है और जगदीश का बड़ा भाई सुनील सूरत में काम करता है। जगदीश के चचेरे भाई संदीप ने जगदीश की मौत को संदिग्ध माना है और मामले की जांच किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर जगदीश का शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, उसी के बाद साफ हो सकेगा कि जगदीश की मौत हादसा है या कुछ और। नाम है जगदीश और बीपी, साइकिल से जो है गया था, साइकिल से गिरने से जो है चक्कर आने से इसकी मृत्यु हो गई है, जिसका पीएम कराया गया है और पीएम रिपोर्ट में जो आएगा बिस्तर। भोपाल के संत नगर में बाल मित्र पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। बाल मित्र थाना सड़क पर भीख मांगने वाले, कचरा बीनने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। संत नगर बैरागढ़ में बाल मित्र थानों का उद्घाटन किया गया। सड़कों पर भीख मांगने, पन्नी बीनने वाले बच्चों को सुधार कर वह उनको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करने का काम यहाँ से किया जाएगा। एडिशनल SP दिनेश कौशल ने इसका उद्घाटन किया। एडिशनल SP दिनेश कौशल ने बताया कि यह भोपाल का दूसरा बाल मित्र थाना है। हम इसे पूरी तरह से हाईटेक बनाना चाहते हैं ताकि शहर में जो बच्चे सिगरेट, गांजा व अन्य प्रकार के नशे में लिप्त हैं, वे बाल मित्र बुराई छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। हम समय समय पर इस बाल मित्र थाने में आयोजन करेंगे ताकि समाज की मुख्य धारा से कटे बच्चे मुख्य धारा में लौटकर अपनी अलग पहचान बना सके। कुछ थानों को ऐसे चिन्हित करके उन्हें बाल मित्र थाना, बाल मित्र थाने में बाल मित्र एक कॉर्नर बनाकर बच्चों को दिया जा सके, जिसकी देखरेख बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जो करेंगे। JJ Act में जो कहा गया, हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को जितनी ज़्यादा हम किसी भी कारणवश बच्चा आता है तो हम बच्चे के साथ में कितना मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। पुलिस का हमें काफ़ी सहयोग रहा पूरे एक साल से, और अभी हमने भोपाल जिले में 4 थाने बन के तैयार हो गए हैं। बाल मित्र जो भी पहले से चल रही है, उसी कार्यक्रम में बच्चों बचाओ आंदोलन के तहत आप लोग जो आए हुए हैं उन्होंने पूरी मदद की है। और बच्चे कैसे यहाँ पे आके कैसे अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं, क्या ये कोर्ट से भी लीगल हमारे जो सहायता करने वाले हैं वो लोग भी हैं पैरालीगल वाले, और आगे जाके भी जितने बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं हम लोग इसलिए पूरी तरह से बात करेंगे। बच्चों को ला के उनको कम से कम थाना ना जाना पड़े, हमारे यहाँ पे सिविल में बंदा रहेगा बाल कल्याण अधिकारी,
और जो एनजीओ लोग कुछ चलाते हैं बच्चों को पढ़ाना लिखाना और अन्य कई सूचना आती है, जैसे कोई नशा बेचता है, नशा लेता है, उस तहत भी हम लोग काम करने के लिए आगे। भोपाल के चंदूखेड़ी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों को झाड़ियों में एक बड़ा सा अजगर नजर आया। 2 घंटे की मेहनत के बाद इस अजगर को पकड़ लिया गया। भोपाल से सटे चंदूखेड़ी गांव में झाड़ियों में कुछ लोगों ने अजगर को देखा। अजगर होने की जानकारी मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने इस अजगर पर नजर रखी और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग व निगम के अमले ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। तब तक यह गांव में घुस गया था। इस अजगर की लंबाई 12 फीट थी। अजगर को वन विहार नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। पेंच टाइगर रिजर्व में गजराज के लिए रिजर्वेशन कैंप चल रहा है और इसमें 5 दिनों तक जमकर हाथियों की खातिरदारी होगी। हाथियों के लिए सुखद अनुभूति और महोत्सव का समय है। यहाँ का अमला भी अब अपने गजराजों की सेवा करने के लिए 5 तारीख से लीन हो गया है। गणेश की मूर्ति स्थापित करके 10 दिनों तक गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, मगर यहाँ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में साक्षात हाथियों की सेवा की जा रही है। दरअसल पेंच के पियोरथड़ी बीट में 5 सितंबर से रिजर्वेशन कैंप का आयोजन किया गया है। पार्क का अमला इस बार हाथियों की सेहत को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। इसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां तय कर दी गई थी और सभी को हाथियों की बेहतर खातिरदारी के लिए पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। हाथियों की सेहत अच्छी रहे इसके लिए कैंप में अलग अलग दिन उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 दिन मनपसंद भोजन और इसमें अतिरिक्त पौष्टिक आहार के लिए विशेष भोजन दिया जा रहा है। हाथियों को महावत नहलाकर राई के तेल से उसकी मालिश कर रहे हैं। नाखून कान दांत की सफाई व घिसाई की जा रही है। साथ ही उनको ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि उनमें कोई बीमारी हो तो पता चल सके। उचित जरूरतों की दवाई भी दी जा रही है। यह काम अलग अलग दिनों में तय सूची के अनुसार किया जा रहा है। पेंच पार्क में 5 हाथी हैं। इनमें सबसे बुजुर्ग नर जंग बहादुर के अलावा युवा हाथी गणेश शामिल है। वहीं 3 मादा हाथियों में दामिनी, सरस्वती और सोरेन शामिल है। पेंच टाइगर रिजर्व में हाथियों की सेहत के लिए 5 दिन खास होंगे। हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरे साल पार्क प्रबंधन हाथियों की मदद से ही गश्ती व दूसरे काम करता है। कैंप के दौरान हाथियों को पूरी तरह से आराम दिया जाता है, साथ ही उन्हें सेहतमंद भोजन दिया जाता है ताकि वे अच्छी तरह से काम कर सके। उनकी सेहत हमेशा बेहतर बनी रहे और वे महावत के अनुसार काम करें, इसके लिए भी उनकी देखभाल जरूरी हो जाती है। हालांकि पार्क में नए हाथियों की आमद नहीं हुई है। पूर्व में 2 हाथी कर्नाटक से लाने का प्रस्ताव था, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्लन भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है बता रहे हो। पूरे ताल तलैया अल्लाह वाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊँ कैसे खुलते हैं। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, हम गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी। फिर लेके आया मैं, गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत। हाँ, उनको स्कूल लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे गणेश। वो मैं बता रही हूँ, असली लोकतंत्र कांग्रेस में है, गुटबाजी खुल के चलती है, बता रहा हूँ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंघा जो मंत्री है, उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। हमें बता रहा, चिट्ठियां लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज है चिट्ठियां विट्ठियाँ। और दूसरा, उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। और ये खबर, ये देखो चंद्रमा पे है जो चंद्रयान 2 हमने भेजा है, उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहा है कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ, भैया खबर ये देख लो, चिदम्बरम जी अभी जेल जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग, ये
जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं, आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ जेलों को 5-स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, जब आखिरी टाइम वही निकालना है। और ये खबर ये देखो मज़ेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है, 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। और मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे कि भैया भैया हम तो अब यहाँ रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं। अब देखो ऐसे तो बात ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। और ये खबर ये देखो, बेंगलोर में एक आर्टिस्ट हैं, वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पर उतरे। वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गड्ढे थे उनमें। अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनका ठीक करो। ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और ये खबर देखो, पीएम साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में, जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं वडनगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीएम साहब की जो दुकान देखी चाय बना, जहाँ चाय बनाते थे चाय बेचते थे, उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी सोच रहा हूँ ये पकौड़े वकौड़े ही डाल लूँ दुकान, कहीं हाँ भविष्य में पीएम बन गया तो। हाँ, ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया है। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं। हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपये, शराब पी किया वो 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनो ना, हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में, तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा। हैं, वो पहन के अपनी भी जान बचाओ, दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे, कहीं ओवरटेक करेंगे, लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे। एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ, वही यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। अब मुझे पता है क्यों कर दिया है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग पीस देंगे बताओ, मंदी चल रही है, ये तो चल रहा है। मैं तो चला भैया, मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक